वालेकुम नाजरीन, एबीबी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। मोहब्बत में गई जान माशुका की मां ने कोल्ड ड्रिंक में दिया जहर। मोइनाबाद पीएस लिमिट 4 महीने पहले हुआ एसके अयाज नामी एक नौजवान को कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मार दिया गया था, लेकिन अब तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ और ना अभी तक पुलिस की कार्रवाई हुई। एफआईआर होने के बावजूद पुलिस की लापरवाही पर माँ बाप ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया। अभी तक इंसाफ नहीं मिला और ना किसी को अरेस्ट किया गया। माँ बाप ने होम मिनिस्टर से अपील की। आइए सुनते हैं मज़ीद तफसीलात उन्हीं की ज़ुबानी। एबीपी न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी है, ये मेरे फादर इल्ला है और ये मेरे ब्रदर इल्ला है और ये सेकंड ब्रदर इल्ला है और एक मेरे सुम्मे छोटे ब्रदर इल्ला है जो मोइनाबाद में रहते। उनका जो है कॉलेज में एक बच्ची के संग सिद्धार्था कॉलेज में पढ़ते थे, उनके एक स्टूडेंट थे। स्टूडेंट के संग उनकी मोहब्बत हुई एक 6 महीने 7 महीने से, तो हमारे जितना इन्फॉर्मेशन है हम उतना बता रहे। और एक बात क्या है बोले तो जो है अयाज नाम जो है इन्हें जो है बच्ची को फ़ोन गिफ्ट करे थे, इसमें इन लोगों की मोहब्बत भी चल रही थी। उसके बाद में बच्ची के जो है मदर को मालूम हुआ कि इन दोनों में मोहब्बत चल रही बोल के, और फ़ोन वोन भी रिसीव करे बोल के इन लोगों में मालूम हुआ। उसके बाद में जो है होने के बाद में जो है बच्चे को जो है घर पर बुलाए थे, बुला के जो है समझाए करे एक खुद। फिर सेकेंड टाइम पर जो है बुलाए थे मदर बुलाए थे बच्ची के मदर बुलाए थे, बुला के जो है बच्चे को समझाए कर रहे थे। मगर बच्ची की और बच्चे की मोहब्बत चल रही थी इसमें, इसकी वजह से सेकंड टाइम पे फिर एक बार बुला के जो है फ़ोन देने के बहाने बुलाए थे, आके आपका फ़ोन ले लेके जाओ बल्कि। वो फ़ोन देने के बहाने जो है बच्चे को जो है कोल्ड ड्रिंक में उनकी मदर कोल्ड ड्रिंक में जहर दे के सिलो पॉइजन बोल के है सिलो पॉइजन दे दिए। देने के बाद में यह हादसा है 10/11/2021। उसके बाद में जो है शाम में ये 8:30 के टाइम पे जो है ये वाकया हुआ है। उसके बाद में इन घर को आए, आने के बाद में जो है खाना वाना खाए। उसके बाद में इनको वॉन्टिंग शुरू हो गए। वॉन्टिंग शुरू होने के बाद में जो है हम लोग हॉस्पिटल को लेके गए इधर उधर, यानी 1 दिन 2 दिन लेके गए। हमारे को मालूम नहीं थे इसके बारे में, कोल्ड ड्रिंक में जहर सिलो पॉइजन है बोल के नहीं मालूम था हमारे को। तो हम ये जो है 3-4 दिन 5-6 दिन हॉस्पिटल को ले गए, ओलिफ में ले गए, ओलिफ में भी नहीं बताया हमारे को। इसके बाद में जो है यशोदा हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पर जो है पूरी तफ्तीलात से जो है सिलो पॉइजन डाले बोल के मालूम हुआ। तो हम लगा क्या करें, शेख अयाज का फ़ोन रिसीव करे। रिसीव करने के बाद में ये जो मदर है और ये लड़की का नाम क्या है भाई, अर्चिता नाम है लड़की का। ये अर्चिता नाम की लड़की को जो है हम लोग पूछताछ मतलब जो है मालूम हुआ हमारे को। हमला क्या करें, हमारे फादर इल्ला को इन्फॉर्म करें ये बात। हमला हॉस्पिटल में थे, इनको इन्फॉर्म करने के बाद में क्या करें, हमारे वालिद साहब जाके जो है मोइनाबाद पीएस में कंप्लेंट करें। कंप्लेंट करने के बाद में ये मालूम हुआ कि मतलब जो है इसके बाद में ये मालूम होने का पुलिस एक्शन लेके जो है इसके ऊपर केस। जैसे ही मैं मेरे फादर को बोला तो इन्होंने क्या करें मोइनाबाद पीएस को आए थे, आके जो है पुलिस को कंप्लेंट करे कि मतलब जो है ऐसी की बात ऐसी है बोल के। तो पुलिस जो है यशोदा हॉस्पिटल को आके वहाँ पर जो है बच्चे का स्टेटमेंट लिया और बच्चा ने स्टेटमेंट ये दिया कि मतलब मेरे को कोल्ड ड्रिंक में जो है पॉइजन डाल के पिलाए बोल के स्टेटमेंट भी दिया। तो उसके बाद में पुलिस वाले क्या करें बताओ, 30 तो उसके बाद में पुलिस वाले क्या करें बताओ, 30307 का मतलब केस बुक करें। उसके बाद में जो है हालत बिगड़ते गई मेरे भाई की दूसरे दिन। उसके बाद में जो है मेरे भाई की डेड हो गई। डेड होने के बाद में 302 का मतलब केस बुक करें इसके ऊपर, और इसके बाद में जो है 302 कर दिए। लेकिन जो है हमारे पुलिस से जो है इनकी डेड होके 22/11/2021 को उनकी डेड हो गई, होके जो अभी तक 3 महीने के ऊपर हो गए। हमारे कोई पुलिस से मदद नहीं मिल रही, खाली पुलिस जो है पेंडिंग मतलब जो है कल परसों ये रिपोर्ट आने के बाद वो रिपोर्ट आने के आने, और अभी तक जो है पुलिस ना उनके मदर को गिरफ्तार करी ना वो बच्ची को गिरफ्तार करी। और अयाज का जब हमला फ़ोन रिसीव करे 22 तारीख के दिन जब हमारे मालूम हुआ, तो इसमें जो है एक बदरप्पा नामी शख्स, वो उनके रिलेशन में कौन था हमारे मालूम नहीं है, बदरप्पा नामी शख्स के जो है फ़ोन कॉल टॉप करे। तो जो है पुलिस भी हमारे को ये बात बोली सी है कि मतलब जो है इनके 60 या 70 कॉल कुछ आए बदरप्पा बोलने वाले के, ये बदरप्पा कौन है हमारे को मालूम नहीं है इसमें। तो इसके बाद में जो है वो बच्ची का भी मतलब हमारे को पुलिस वाले ये बात बोले, बच्ची से भी पूछे और उनकी मदर से भी पूछे। तो हमारे मतलब भाई का हमारे भाई के संगत मोहब्बत थी ना भाई, कुछ अफेयर चल रहा था क्या बोल के। बच्ची का DNA टेस्ट कराए तो हमारे भाई का इसमें कुछ नहीं निकला,
उसमें जो है जो बदरप्पा नामी शख्स था उसको जो है उसका निकला उस बच्ची के संग चक्कर, वो चक्कर निकलने से जो है वो चक्कर निकलने से जो है हुआ क्या बोले, ये बदरप्पा नामी शख्स है, ये बच्ची का डीएनए टेस्ट कराए थे हमारे भाई के संगत कुछ अफेयर है क्या बोल के, तो मगर जो है इनका हमारे भाई का कुछ भी नहीं निकला इसमें, बदरप्पा नामी शक का निकला, तो पुलिस वाले हमारे बोले बच्ची वो बदरप्पा को जो है रेप केस में डाले बोल के बोले हम लगा, और वो बच्ची की एज भी छोटी है बोल के बोले, यानी 15 साल या 16 साल कुछ एज है बोल के बोले, तो सर अभी तो हम 3-4 महीने हो गए पुलिस वाले हमारे रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे, ना बच्ची को पकड़े ना उनकी मदर को पकड़े, किसको भी अभी नहीं पकड़े, अरेस्ट भी नहीं करे, खाली कार्रवाई चल रहे करते हम साफ करते साफ बोल के हमारे वाले साहब को जो है हमारे वाले साहब फिरते जा रहे कंटिन्यू 2 दिन में 6 दिन में 6 दिन में फिरते जा रहे, मगर कोई हमारे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और हम महमूद अली साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मतलब जो है हमारे तेलंगाना पुलिस पर भरोसा है काम अच्छा करते बोल के, और महमूद अली साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करते हमारे इंसाफ चाहिए, हमारे भाई के संगत आज हुआ कौन सा ये वाकया होके जो है 3 महीने गुजर गए, अभी 22 तारीख आए तो 4 महीने होता है इसको, तो ये लोगों को किसी को अरेस्ट नहीं करे, अभी किसी को अरेस्ट नहीं करे, हमारे भाई की डेड भी हो गई तो भी किसी को अरेस्ट नहीं करे लगा, और जो जो डीएनए टेस्ट करे थे बच्ची का बदरप्पा को जो अरेस्ट करे थे बोल के बोले ना क्या बोले हमारे बदरप्पा को हमने रेप केस में डाल दिए अरेस्ट कर दिए बोल के बोले, अब फिर हम लगा जो है एक 6-7 दिन पहले जाके देखे तो बदरप्पा जो है यहाँ पर मोइनाबाद पीएस में आ रहे हैं कहते हैं, उसके बारे में तो हमारे मालूम नहीं है, अब हमारे जो है आमा सामना हो रहा तो हम पुलिस वालों से यही कह रहे कि मतलब जो है इसमें इन्वॉल्व बदरप्पा भी है इनकी, क्योंकि जो है फोन कॉल जो देखे 60 कॉल इनके भी है इसमें, तो पुलिस बोले हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसमें पूरे, इनके बच्ची के कौन होना, ये इनके अंकल होना या कौन है अंकल या मामू कौन होना या नहीं मालूम, कंफर्म मालूम नहीं है हमारे ये। वो भी बच्ची इसमें इन्वॉल्व है, उनकी भी कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे पास, ये उदा जो है इधर मोइनाबाद में है अयास के स्टूडेंट है वो भी एक, हाँ ये बच्ची इनकी मदर जो जो हमारा भाई अयास है ना उनकी जो लवर थी उनकी एक मदर के इन लोगों का भी तीनों का कॉन्फ्रेंस था समझो, इन तीनों को मालूम भी था इसमें, मदर को भी मालूम था, ये उदा बोलने वाली बच्ची को भी मालूम था, और जो इन लोगों की कॉन्फ्रेंस में बात भी हुई और इसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास फिलहाल में, हम यही चाह रहे हैं कि मतलब हमको इंसाफ चाहिए, हमारे भाई की डेड हुई हमारे को मालूम है, इनके वालिद साहब है ये, इन्हों कैसे परेशानी से गुजरे इनको मालूम है, और हमारे तेलंगाना पुलिस से उम्मीद भी है कर सकते बोल के, और हम आपको तेलंगाना पुलिस से हमको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, महमूद अली साहब प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमको तेलंगाना पुलिस से जो है हमारे इंसाफ चाहिए बस, ये मोइनाबाद पी एस में जी हाँ।